नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि विषय भोग के लिए एक शास्त्र तैयार किया गया था जिसे कामसूत्र के नाम से जाना जाता है। इस शास्त्र की रचना आज से कई हजार साल पहले की गई थी ताकि संसार का प्रत्येक मनुष्य इस ज्ञान का अनुसरण करके प्रेम के सागर में डूब जाए और चरम सुख को प्राप्त कर सके। मित्रों, कहते हैं नंदी ने भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र प्रेम के संवादों को सुनकर कामशास्त्र लिखा था, जिसे बाद में आचार्य श्रेतकेतु ने इसे लिपिबद्ध किया। आगे चलकर इसी के आधार पर खजुराहो जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया ताकि संसार को प्रेम का अनुपम ज्ञान प्राप्त हो सके। वैसे इस ग्रंथ में दी गई जानकारियों के आधार पर आज हम आपको तीन ऐसे पुरुषों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं को बहुत पसंद आते हैं। तो आइए एक बार विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, नंबर एक है उत्साही पुरुष। संसार में ऐसे बहुत से पुरुष हैं जो आज वह जहाँ हैं जैसे हैं, जिस हाल में हैं संतुष्ट हैं, लेकिन लड़कियां अथवा महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद नहीं आते हैं। तभी तो कामसूत्र के अनुसार उन्हें ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो ठीक इसके विपरीत हों, अर्थात ऐसे पुरुष जो आज जहाँ हैं जैसे हैं, जिस हाल में हैं उससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यदि संक्षिप्त में कहें तो उन्हें वह पुरुष पसंद आते हैं जो महत्वाकांक्षी होते हैं, जिनमें उत्साह कूट कूट कर भरा होता है, जो संसार को बहुत दिखाना चाहते हैं, या यूं कहें कि जो बड़ा बनना चाहते हैं। और मित्रों, नंबर दो है जोखिम लेने वाले पुरुष। कई पुरुष स्वभाव से बड़े ही कोमल होते हैं, वह कभी अपने बल अथवा साहस का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष का ना ही कभी जोखिम लेना पसंद आता है और ना ही कभी अपने साथी को शक्ति प्रदर्शन करने देते हैं, हालांकि स्वभाव से परवाह करने वाले होते हैं। कामसूत्र के अनुसार महिलाओं को ऐसे पुरुष बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, अपितु इनके विपरीत ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो स्वभाव से साहसी और बलशाली होते हैं, जो कभी छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करते और ना ही कभी जोखिम उठाने में संकोच करते हैं। और नंबर तीन है मित्रों, भावनाओं पर नियंत्रण करने वाला पुरुष। आपको तो पता ही है कि महिलाएं कितनी अधिक भावुक होती हैं और ज़्यादातर मामलों में बुद्धि के बजाय दिल से निर्णय लेती हैं। जरा जरा सी बातों पर भावनाओं के आवेग में आ जाती हैं, हालांकि पुरुष ऐसे नहीं होते और ना ही वह महिलाओं की इस आदत को पसंद करते हैं, इसके ठीक विपरीत होते हैं और ज़्यादातर मामलों में दिल से सोचने के बजाय दिमाग का प्रयोग करते हैं। वैसे कामसूत्र के अनुसार महिलाएं कभी भी यह नहीं चाहती हैं कि उनका साथी उन्हीं के समान इतना अधिक भावुक हो, जो जरा जरा सी बात पर भावनाओं के आवेग में आकर रोने लगे। बातों बस इतना ही चाहती हैं कि उनका साथी उनकी बात सुने और सबसे महत्वपूर्ण की भावनाओं को नियंत्रण में रखें।